पेट एकदम सीधा और गर्दन एकदम सीधी। अब बच्चे का किस तरीके से देखते हैं, नाभि इस तरीके से नाभि को दिखा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनवीर सिंह अपने चैनल वैद किंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दोस्तों बच्चों की धरण किस तरीके से चेक करते हैं, इन बच्चों को भी धरण की समस्या हो सकती है, लेकिन आप सोच समझ कर बच्चों का इलाज करें या घर पर ही देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, लेकिन बच्चों के साथ छेड़खानी न करें, क्योंकि यदि आपको नॉलेज हो तो ही आप बच्चों का नाभि देखें दोस्तों, क्योंकि बच्चे नादान होते हैं और यह एक बहुत ही आसान तरीका नाभि को देखने का और बच्चों की नाभि किस तरीके से देखी जाती है। यदि बच्चों को दिक्कत हो, पेट में सूजन वगैरह हो, तो किसी अच्छे वैद्य या डॉक्टर को ही दिखाएं। ये तो सिर्फ एक नॉलेज के लिए वीडियो आज हमने डाली है, आपकी जानकारी के लिए, सिर्फ अपनी जानकारी तक ही सीमित रखें। धन्यवाद दोस्तों। बच्चों की नाभि देखने का बहुत ही आसान तरीका, बच्चे को एकदम सीधा लिटा लें, लिटाने के बाद हाथ और पैर एकदम सीधे और उसके बाद थोड़ा हाथ से दबा करके ये देखेंगे पेट कोई टाइट तो नहीं है या कोई बच्चे को पेट जैसे दबाने पर बच्चा रो तो नहीं रहा है। दोस्तों यदि पेट में किसी प्रकार की सूजन हो या नले वगैरह पेट में कोई प्रकार का दर्द हो रहा हो, बच्चे हाथ नहीं लगाने देते पेट में, और इस बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, एकदम स्वस्थ है, नाभि नूभि एकदम कोई परेशानी नहीं है, न बच्चों को ज़्यादातर ये परेशानी होती है। बस ये तो सिर्फ एक नॉलेज के लिए किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि बच्चे की वीडियो, उसी रिक्वेस्ट के लिए आज सिर्फ एक नॉलेज आपको देने के लिए यह वीडियो बनाया है। और अंगूठे से हल्का सा दबा करके नाभि की धड़कन देखेंगे, एकदम स्वस्थ है, और ये जो घुटने के पीछे नस दबा के बच्चा कोई दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा है, ये भी चेक कर लेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक या किसी नई औषधि के साथ। धन्यवाद।